पत्र कल हमारे पास आया है पोस्ट जो लिफाफ में मैंने देखा कि वो लगता है रांची से पत्र डाला गया, और रात में जब उस पत्र को खोल करके मैंने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हमें वो धमकी दी गई, और ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से कोडरमा जिला अध्यक्ष शंकर यादव के सारे वाहन सामने तो उसको उड़ा दिया जा गया, उसी प्रकार से मैंने फिर अंजाम को दिया जाएगा। तो इस आशय की पत्र कल रात में हमें मिला, आज हम इस पत्र यहाँ के थाना और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भिजवा देंगे, और सरकार से हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच सरकार को करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसमें उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पत्र में अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम उल्लेख किया हुआ है, और ये भी इस पत्र में कहा गया है कि भाई इन लोगों के साथ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है उनके साथ इन लोगों के डील हुई है सभी 14 लोकसभा सीटों को जिताने की, और इसलिए धमकी दी जा रही है। क्योंकि मैंने इसलिए इस पत्र को संज्ञान में लिया जब आया, क्योंकि मैं अपने पूरे प्रकरण को देख रहा हूं कि जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय पूरा राज्य उग्रवाद से बिल्कुल ग्रसित था, और उस वक्त जो PWG है, अभी तो PWG उनका विलय हो गया, लेकिन उस समय के जो PWG थे पीपुल्स वार ग्रुप, उनके वेबसाइट में देश के 3 मुख्यमंत्री हिट लिस्ट पर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, और झारखंड से हम, और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हमारे परिवार के ऊपर जो घटनाएं घटी, एक तो भीड़ मेला में 19 लोगों के साथ हमारे बेटे की भी हत्या हुई, और हमारे भाई के ऊपर भी 2-2 बार हमला हो चुके दिख रहा है, और उसके बाद राज्य सरकार ने जब हम राज्य में रघुवर दास की सरकार के गलत कामों के जब हमने विरोध किया, संघर्ष करना हमने शुरू किया, और यहाँ तक कि जब पुलिस प्रशासन भी जो गलत किया था जैसे अनुराग गुप्ता वगैरह इलेक्शन में सरकार के पक्ष में काम किया और उसका हमने विरोध किया, तो इसके बाद सरकार ने हमें जो जेड प्लस सुरक्षा जो मिली हुई थी उसको सरकार ने वापस लिया। हमने तब भी कोई इस बात की ये नहीं है, क्योंकि मैं तो जनता के लिए काम करता हूँ, हमारा ये नहीं है कि भाई सुरक्षा हमें मिले या ना मिले, ये कोई बहुत विषय बड़ा महत्व का नहीं है, जनता सुरक्षित रहे ये जरूरी, लेकिन आज जब पत्र मिला तो मैं पूरा कंटेंट को जोड़ करके देखता हूँ तो लगता है कि कहीं सरकार की मंशा साफ दिखती नहीं, सरकार की मंशा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलत है, संदिग्ध है, और ऐसा नहीं कि सरकार की ओर से ही सब कुछ को प्रायोजित है, क्योंकि पहले सुरक्षा में कटौती करना और फिर इस प्रकार के पत्र मिलना, तो ये अपने आप में बड़े प्रश्न को पैदा करता है।